किस्सा है 2004 में आए एनकाउंटर ड्रामा अब तक छप्पन का। फिल्म में नाना बने हैं इंस्पेक्टर साधु अगाशे, जो किसी संत की सी शांति से क्रिमिनल्स का एनकाउंटर करते हैं। उनके स्क्वाड में एक नया लड़का आता है जिसे वो अपना शागिर्द बना लेते हैं और वो धीरे धीरे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाता है। इस नए लड़के के किरदार में थे यंग एक्टर नकुल वैद। जब नकुल नाना से मिले तो नाना ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, एक काम कर, बाल कटवा के आ। नकुल ने किरदार की तैयारी में बस एक दिन पहले बाल कटवाए थे अपने, तो वो सोच में पड़ गए कि यार बाल ऐसे ही छोटे रखता हूं, ऊपर से अभी कटवा के आ रहा हूं, अब और कितना कटवाऊं। फिर सोचा ऐसे ही बोल रहे होंगे शायद। नकुल बाहर चले गए। जब एक घंटे बाद नाना ने नकुल को फिर देखा तो बोले, बाल कटवाए? नकुल ने भी कह दिया, कटवा लिए। नाना ने डेड सीरियस होके कहा, तूने कटवाए नहीं है। तो शाम को घर जाते वक्त नकुल एक सैलून में जा बैठे कि भाई कैरेक्टर और अच्छा निकल के आएगा, कटवा लेता हूं। सब तैयारी हो गई। जैसे ही नाना सेट पे पहुंचे, नकुल ने रिस्पेक्ट से हेलो बोला। जवाब में नाना ने कहा, बाल कटवा के आ, चल अब। नकुल ने सोचा कि यार इन्हें क्या दिक्कत है मेरे बालों से, पर मरता क्या ना करता, एक असिस्टेंट के साथ गए और फिर बाल कटवा के आए। इस बार नकुल को देखते ही नाना का पारा चढ़ गया, चिल्ला के बोले, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है, हैं? मैंने कहा बाल कटवा के आओ, प्रवीण जाओ इसके बाल कटवाओ। फाइनली प्रवीण यानी नाना के हेयर स्टाइलिस्ट ने नकुल के बाल काटे। इस बार नकुल ने आईना भी नहीं देखा कि कैसा लग रहा हूं, वो बस एक्शन से पहले के इस एम्बेरसिंग एक्शन को खत्म करना चाहते थे। खैर, इस सारी कवायद के बाद सीन शूट हुआ और अच्छा शूट हुआ। नाना के कटीले वन लाइनर्स के सामने नकुल ने एक सिंसियर और नर्वस शागिर्द के बेहद सधी हुई परफॉर्मेंस दी। एक सुबह नाना हंसते मुस्कुराते आए और नकुल से हंसी मजाक करने लगे। पहले तो नकुल के समझ में नहीं आया कि यार ये आदमी जो दो दिन से मुझ पर बरस रहा था, इस कदर भड़क रहा था, ये सच में मजाक कर रहा है या इसमें भी कोई ट्विस्ट है। दरअसल शुरू के सीन्स में नकुल के किरदार में जो नर्वस एनर्जी चाहिए थी, इस टकराहट से नाना वही आग पैदा कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने हेयर कट वाला पूरा नाटक खेला था। इस तरह एक सीजनड एक्टर ने सीनियर प्लेयर की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने जूनियर को एक मास्टर क्लास दे डाली शूटिंग के पहले ही दिन, वो भी किसी को खबर हुए बिना। इस किस्से को लेकर अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए मैक्स टू के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।